वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम बनाने जा रहे हैं हेल्दी ब्रेकफास्ट, जिसका नाम है पोहा। आज हम देखेंगे उसको बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए और वो कैसे बनाया जाता है। तो हमने लिया है 400 ग्राम पोहा, धनिया, राई, कड़ी पत्ता, एक मीडियम साइज प्याज, 3 मिर्च, रोस्टेड मूंगफली मूंगफली, 1 नींबू, 1 नींबू। अब हम पोहे को अच्छी तरह से भून लेंगे। तो हाँ गाइस, हम 1-2 मिनट अच्छे से 2-3 बार धो लेंगे और इसे सोख कर इसका सारा पानी निकाल देंगे। जैसा आप देख रहे हैं, हम इसका पानी निकाल रहे हैं। देखिए, हमने इसका सारा पानी निकाल लिया है। अब हम इसके अंदर 1 स्पून हल्दी ऐड करेंगे, 1 स्पून सॉ नमक, आप नमक अपने स्वाद अनुसार भी कर सकते हैं, 2 चम्मच चीनी, 1/2 कवर करके अच्छे से रख देंगे थोड़ी देर के लिए। तो अब हम फ्लेम ऑन करेंगे और हमने इसके ऊपर एक पैन रख दिया है। 2 चम्मच तेल लेंगे, गरम होने के बाद राई डालेंगे इसमें, कड़ी पत्ता और फिर चटकने देंगे इसे। मूंगफली रोस्ट करेंगे। अब हम इसमें मूंगफली रोस्ट करेंगे। मूंगफली रोस्ट होने के बाद प्याज डालेंगे, कलर चेंज होने तक। जब तक प्याज का कलर चेंज नहीं हो जाता, जब तक हम उसे ऐसे ही हिलाते रहेंगे। और हाँ, फ्लेम को लो रखेंगे। और अब हम प्याज डाल ओ हरी हरी मिर्च डालेंगे 3। रुको, पहले बोल। अब हम इसमें अपना पोहा डालेंगे। गैस का लो रखेंगे और इसे मिक्स करते रहेंगे। अब हम नींबू के बीज निकाल लेंगे टूथपिक की मदद से। अगर आपके नींबू टाइट है तो आप उन्हें गर्म पानी में रख दें, वो सॉफ्ट हो जाएंगे 2 मिनट के लिए। तो अब हम इसमें नींबू डालेंगे। नींबू डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें धनिया डालेंगे। अगर आपको पोहा टाइट लग रहा है तो आप इसके ऊपर पानी की छींट भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें पानी की छींटे मारेंगे क्योंकि फिर ये सॉफ्ट हो जाएगा। अगर हमारा हार्ड है, कवर करके 5 मिनट के लिए रख देंगे। देख सकते हैं, 5 मिनट बाद हमारा पोहा
रेडी हो चुका है और इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और जो फ्लेम है उसे बंद कर देंगे। हमारा पोहा तैयार है सर्व करने के लिए। गार्निशिंग के लिए आप अपनी फेवरेट नमकीन यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे दाल भीजी यूज़ करी है। आपको जौन सी फेवरेट अच्छी लगती है तो आप वो डाल सकते हैं। और आलू भुजिया इस पर बहुत अच्छी लगती है। हमारा पोहा रेडी है ब्रेकफास्ट के लिए। तो एंजॉय द पोहा। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।